सांसद विद्यार्थी होने के बाद किनाराम धाम में पहली बार। देखिए बाबा किनाराम धाम के लिए बड़ा ही पवित्र और पूज्य है, सात प्रत्याशी होने से पहले हमारे कोई सवाल ही नहीं है। कई बार आए हैं, बिना बिना इनके आदेश के तो कोई काम नहीं होने वाला है। तो आदेश लेने आए हैं कि आपकी धरती पर मैं अब निकल चुका हूँ रण के मैदान में, अब हमारी रक्षा करें और कृपा करें। एक और प्रश्न है, राजनीति गलियारे में हो रही उथल पुथल चल रही है, आपके आने से इस उत्साह को देखकर एक नई ऊर्जा आपके समाजवादी पार्टी में उत्पन्न हो रही है? सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत है, उनके ऊर्जा का स्वागत है और ऊर्जा के साथ वो जो है अपना काम करें, और निश्चित रूप से एक एक कार्यकर्ता मेरे लिए आदरणीय है, उनको भरपूर प्यार मिलेगा, इससे ज्यादा तो मेरे पास कुछ है नहीं। एक और है छोटा सा, पीडीए के पहल पर आपसे क्या उम्मीद की जाए, जो पीडीए भी चल रहा है इस पे क्या आपकी उम्मीद की जाए? देखिए पीडीए और इंडिया गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है कि जो विकास को गांव की तरफ ले आता है। लोहिया जी कहा करते थे जब तक कि विकास गांव गली से नहीं निकलेगा वहां नहीं होगा, किसान खुशहाल नहीं होगा, गरीब के चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी, तब तक वास्तविक खुशहाली इस देश में नहीं आएगी। आज आप देख रहे हैं कि गांव की हालत क्या है, किसान की हालत क्या है, महंगाई चरम सीमा पे है, सड़कों की हालत आप देख ही रहे हैं, केवल कुछ हाईवे बना करके बड़े लोगों को चलने के लिए, उससे तो पूरे देश का विकास होगा नहीं। हर घर में दो चार ठो बेरोजगार घूम रहे हैं, भारी उद्योग मंत्रालय होने के बावजूद सांसद जी के पास बड़ी अपेक्षा थी लेकिन छोटा सा उद्योग भी नहीं लग पाया। तो यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के नौजवान, यहाँ के किसान, यहाँ के गरीब सब निराश चल रहे हैं, निराश हो रहे हैं, और ये पीडीए सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी और निश्चित रूप से रोजगार के क्षेत्र में बड़ा काम पीडीए सरकार करेगी। अभी आपने बिहार में देखा है कि दो दो लाख एक एक साथ नौकरी निकाल करके नौजवानों का काम किया। आपने ये भी देखा कि किसान का बेटा, गरीब का बेटा फौज में भर्ती होकर के अपने सम्मान को कायम रखता है, गर्मी बरसात वगैरह सब मेहनत करता है, लेकिन इसके बावजूद जिस साजिश के तहत उसे अग्निवीर योजना के तहत उनके सम्मान में कटौती किया गया है, उनके पूर्व मंत्री का दर्जा हटाया है, तो ये साजिश सब समझते हैं। संविधान की रक्षा के लिए इंडिया गठबंधन और पीडीए गठबंधन, पीडीए का जो गठजोड़ है वो कमर कस के तैयार है और संविधान को बचाने के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगा। सर इस चंदौली लोकसभा अखिलेश सिंह जिंदाबाद 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 काम हो रहा है, चार कर चलिए अजगरा और शिवपुर एक दो है दो दो है दो है चलिए अजगरा शिवपुर सकलडीहा, ज्यादातर सकलडीहा पर अब क्या जोड़ देंगे, सकलडीहा में किस तरह से विकास नहीं हो पा रहा है? ये आप कैसे कह रहे हैं कि विकास नहीं हो पा रहा? सांसद जी की रोड ये सरकार एक तरीके से विद्वेष रख करके काम करती है। हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी का विधायक है, उससे दाह रखती है, जो भी प्रपोजल ये फेंकते हैं, मैंने देखा है कि कोई गांव से लेकर के चहनिया हो, चाहे वो बड़ी सड़क के जो आप बत्ती देख रहे हैं, ये सब प्रयास माननीय विधायक जी का है, और उनको साजिश के तहत उसकी गति को कम किया गया, और ताकि विधायक जी का जो प्रयास है लोगों तक ठीक से पहुंच न सके, तो ये सब उन लोगों की साजिश है, सब जानते हैं और जनता भी समझ चुकी है। चंदौली विकास के लिए आपकी क्या रूपरेखा है? तो आपसे बताती है कि गांव खुशहाल किस तरीके से होगा, गांव के 85% लोग जो है जिस सड़क पे चल रहे हैं उसे ठीक करना है, शिक्षा की व्यवस्था करनी है जहां की गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, यहां पे चिकित्सालय की व्यवस्था करनी है। आप ही बता दीजिए महाइज ब्लॉक आपके यहाँ से और नरवन से अगर कोई इमरजेंसी आ जाए
कोई बीमार हो जाए तो कोई इमरजेंसी अस्पताल है तो उसकी जान बच जाए। तो 14 तो ये 10 साल से क्या कर रहे थे सर, ये पीड़ा है उनको कि गरीब कैसे इलाज कराता है। एक एक तो दीनदयाल अस्पताल था जहाँ हमारे नेताजी ने मुफ्त इलाज की व्यवस्था की थी, दवा पढ़ाई सस्ती होगी मुफ्ती होगी ये नारा दिया था, उसको भी प्राइवेट कौन एक ना जो है कि नर्मन पॉइंट के एक किसी बड़े उद्योगपति को दे दिया, पाणेपुर वाला जो है अस्पताल सरस्वती दीना या दाना 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 जो है कि सरस्वती दाना ऐसे नाम करके कोई कंपनी है जिसका ट्रस्टी जो है मुंबई का वो है नर्मन पॉइंट का वो है, समझ रहे ये तो फोटो घर से भी ले ला। अच्छा साइज़ तो कम है। सब श्रम दे हमारे।